प्रदूषण से दिल्ली की जनता त्रस्त है, केजरीवाल विपासना में मस्त है। अजिहे नारियां वाले पोस्टर चुक के दिल्ली भाजपा वर्करा ने शनिवार नु शहर विच वधदे हवा प्रदूषण खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा वर्कर हथां दे विच तख्तियां लेके मास्क पाके विरोध प्रदर्शन करदे नजर आए। प्रदर्शन कर रहे दिल्ली भाजपा दे जनरल सकत्तर हर्ष मल्होत्रा दा कहना है कि दिल्ली दे लोकां ने प्रदूषण सेस वजो 1200 करोड़ रुपए दिते, पर केजरीवाल ने उन्हां नू कुछ भी रिटर्न नहीं दिता। उन्हां कहा है कि दिल्ली सरकार ने 1.5 से 2.5 साल पहला स्मोक टावर लगाया सी, पर ओ भी हुन काम नहीं कर रहा। भाजपा वर्करां ने मांग कीती है कि दिल्ली दे विच 100 से 200 स्मोक टावर लगाए जान अते हर विधानसभा हलके दे विच 15 से 20 पानी छिड़कण वालियां मशीनां लगाईआं जान। 1200 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता ने पॉल्यूशन सेस के रूप में दिया है, टैक्स के रूप में दिया है, उसमें एक भी पैसे का हिसाब केजरीवाल साहब ने नहीं दिया। एक स्मोक टावर लगाते हैं 1.5 से 2 साल पहले, जिसका कार्यशीलता केवल 400-500 मीटर है, वो भी बंद पड़ा है। दिल्ली के अंदर 100-200 स्मोक टावर लगने चाहिए अगर एयर को क्लीन करने के लिए लगाना है। हर विधानसभा में 15 से 20 स्प्रिंकल्स जो मशीन घूमती है पानी को स्प्रिंकल करने वाली, वो होनी चाहिए। दिल्ली में कुल 10-15-20 मशीनें घूमती हुई नजर आती हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं। और वो जो पोल्यूशन सेस का पैसा है वो केवल और केवल अपनी फोटो वाले होर्डिंग लगाने पे खर्च करते हैं। आज अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बसें चलनी चाहिए, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 800-900 बसें, इलेक्ट्रिक बसें, पोल्यूशन रहित बसें दिल्ली को देते हैं। केजरीवाल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर? इस बात की अवेयरनेस के लिए और केजरीवाल को जगाने के लिए, उनकी सरकार को जगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।